नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे मॉडर्न ब्रिटिश ज्योग्राफर्स और इसी कड़ी में हमने हार्फोर्ड मैकिंडर, एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक वेता जो थे, उनका अध्ययन किया था। पैट्रिक गेडीज, सामाजिक नगर नियोजन में जिनका कार्य है उनका वर्णन किया। एंड्रू जॉन हर्बर्टसन का वर्क भी हमने देखा था। तीन महत्वपूर्ण भूगोल वेताओं का हमने अध्ययन कर लिया था। इसी कड़ी में हम और आगे अध्ययन करते हैं। आज की क्लास जो अपनी होगी उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले जो भूगोल वेता हैं अपने, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट देखते हैं एच जे फ्लूअर जो है वो नगरीय भूगोल वेता है और संभववादी विचार रखते हैं। एच जे फ्लूअर की इमेज शो हो रही है स्क्रीन पर, विस्तृत वर्णन पढ़ते हैं इनका। जियोलॉजिस्ट हैं ये और जियोग्राफर हैं। मैनचेस्टर जो विश्वविद्यालय है वहाँ ये प्रोफेसर रहे। कार्य क्षेत्र है नगरीय भूगोल और मानव भूगोल। संभववादी विचारक हैं ये और इनका कथन है मनुष्य परिस्थिति का दास नहीं है, वो उसमें परिवर्तन लाने में सक्षम है। इसे बहुत सारे कंसेप्ट और ऐसे स्टेटमेंट हमने पहले भी पढ़े हैं। जो फ्रांसीसी भूगोल लेता है वो लगभग संभववादी थे, सारे के सारे। विडाल डी ला प्लांस, ली फेब्रे ने संभववाद शब्द दिया था। उसके बाद जितने भी प्लांस के शिष्य आए सब के सब संभववादी विचारक हमने पढ़े थे। तो अगर आपको कोई डाउट है या समझ में नहीं आया है संभववादी जो कंसेप्ट है, तो फिर आप फ्रांसीसी भूगोल वेता में जाकर उसका डिटेल स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट इनकी बुक देख लेते हैं। इनकी बुक है पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल। पश्चिमी यूरोप में इनका वर्क है मानव भूगोल में, और मानव प्रजातियों ह्यूमन रेसेस के ऊपर भी इनका वर्क है। नेक्स्ट है समय के गलियारे या कॉरिडोर ऑफ टाइम, काल के पथ, ये इनकी बुक है। तो तीनों नाम इम्पोर्टेंट है, समय के गलियारे, कॉरिडोर ऑफ टाइम, काल के पथ। तो अगर आप कॉरिडोर ऑफ टाइम याद रख लोगे तो आपको ये वाले नाम याद नहीं रखने पड़ेंगे, वरना कई बार क्या होता है हिंदी में जब ट्रांसलेट होता है एग्ज़ाम का तो ट्रांसलेशन सबका अलग अलग होता है। शब्द कंप्यूटर में कौन से होते हैं ये हमें नहीं पता, पर इंग्लिश में जो शब्द हैं उसको हम याद रखेंगे तो हम कभी मात नहीं खाएंगे, अपने सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो आप कॉरिडोर ऑफ टाइम है ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है इनकी, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है इनकी बुक मानव के कार्य। तो बहुत सारी बुक्स आएंगी, बहुत सारे वैज्ञानिक होंगे तो हमें याद रखने हैं उनको, तो एक ट्रिक होनी चाहिए, न्यूमोनिक्स होने चाहिए अपने पास ईजी, ताकि हम उनको अपने माइंड में स्टोर कर पाएँ। तो फ्लोर से अपन याद रख सकते हैं, फ्लोर होता है फ्लोर, जो फर्श बोल सकते हैं जिसको, फ्लोर से याद रख सकते हैं हम कि यूरोप जो है वहाँ पर मानव ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर रखी है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पश्चिमी जो यूरोप है उसमें मानव प्रजातियों के कार्य हैं वो कॉरिडोर ऑफ टाइम फ्लोर पर है, या फिर फ्लोर पर है। कॉरिडोर ऑफ टाइम का मतलब हो गया पथ पर है या फिर अग्रणी है, इस प्रकार से याद थोड़ा जोड़ के याद रख सकते हैं कि फ्लोर पर है यानी कि बहुत उन्नति कर रहे हैं। समझ पाए होंगे आप इसको, ट्रिक अच्छी नहीं लगी तो आप अपनी खुद की सेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं एच जे फ्लूअर के बाद पीएम रॉक्सबी। पीएम रॉक्सबी जो हैं उनका समय है 1880 से 1947। अग्रणी भूगोल वेता हैं ये, पायोनियर हैं, इतिहासकार भी हैं। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रीजन की संकल्पना को विस्तार रूप में समझाया, मानव प्रदेशों की संकल्पना दी अभी इन्होंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मानव भूगोल में मानव प्रदेशों की संकल्पना दी, मानव प्रदेशों की संकल्पना है वो रॉक्सबी की है। 1930 में इन्होंने एक लेख लिखा मानव भूगोल का क्षेत्र और उद्देश्य। इन्होंने बताया कि प्रकृति में मानव के पारस्परिक संबंधों एवं क्रियाओं का अध्ययन करना ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए जितने भी ज्योग्राफर आ रहे हैं आदर्शवादी विचारधारा वाले, और जितने भी महान जो भी हमने अब तक पढ़े हैं, सबका यही मानना है कि भूगोल का जो मुख्य कार्य है वो न केवल किसी जो निर्जीव वस्तु है जैसे कि पहाड़ नदियाँ और केवल इनका अध्ययन करना नहीं है। उनका अगर पहाड़ों नदियों का अध्ययन करना है तो भी वो मानव के संदर्भ में ही करना उचित होगा, ताकि वो मानव के किसी काम आ सके। तो यही इन्होंने बताया कि मानव भूगोल का क्षेत्र और उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि जो प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंध हैं और जो मानव और प्रकृति के मध्य जो अंतरक्रियाएँ हैं उनका अध्ययन करना ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। तो इसको कैसे याद रखोगे आप, रॉक्सबी जो है वो, रॉक्सबी ऐसे साइंटिफिक सा नाम लग रहा है,
तो रुक्स भी है वो तरंगे भेज के, रुक्स भी तरंगे भी होती हैं, रुक्स भी एक साइंटिस्ट का नाम भी है जो ना केमिस्ट्री और फिजिक्स जो हैं साइंसेज हैं उनमें इनका यूज होता है। तो रुक्स भी तरंगे भेजकर मानव प्रदेशों का अध्ययन करता है, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो। ट्रिक इतनी अच्छी तो नहीं है फिर भी आप याद रख सकते हो। एस डब्ल्यू वुलरिज जो है उसका समय है 1900 से 1963 ईयर्स समय रहा इनका। ज्योग्राफर हैं ये, जियोलॉजिस्ट हैं, जियोमोर्फोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने दक्षिण पूर्वी जो इंग्लैंड है उसमें भू आकृतियों का अध्ययन किया था। दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड वाला जो भाग है उसका अध्ययन किया भू आकृतियों का, जियोमोर्फोलॉजिस्ट हैं ये। और इनकी जो बुक्स हैं वो हैं भूगोल का अर्थ और उद्देश्य, ये जो बुक है वो एकेडमिक लेवल की बुक है, एकेडमिक जो स्टूडेंट है उनके लिए इन्होंने बुक लिखी भूगोल का क्या अर्थ है और क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो ये इनकी बुक है। नेक्स्ट है भूगोल बतौर वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों के लिए भूगोल कैसा होना चाहिए, वो इनकी दूसरी बुक है। नेक्स्ट है द स्प्रिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। नेक्स्ट है एन आउटलाइन ऑफ जियोमोर्फोलॉजी, ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, एन आउटलाइन ऑफ जियोमोर्फोलॉजी। इस प्रकार की बहुत सारी बुक आएंगी, एन आउटलाइन ऑफ इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, एन आउटलाइन ऑफ दिस, इस प्रकार से बुक आएगी, तो हम उसको फिर टेबुलेटेड फॉर्म में उसका अध्ययन कर लेंगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं बने। तो यहाँ आई है एन आउटलाइन ऑफ जियोमोर्फोलॉजी कि हाँ जियोमोर्फोलॉजी का एक स्थान या फिर उसको एक बाउंड्री में अपन डिफाइन करें ताकि उसके बारे में स्टडी हो पाए। तो आउटलाइन ऑफ जियोमोर्फोलॉजी इनकी बुक है। द स्प्रिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वुलरिज और मॉर्गन की संयुक्त रूप से ये लिखी हुई है, तो दोनों ही बुक आपको याद रखनी है। ये अगर आप नहीं भी याद रखो तो भी चल सकता है, बट ये आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं एलडी स्टाम्प, डडली स्टाम्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर हैं ये, और ब्रिटेन में इनका बहुत नाम है, बहुत फेमस ज्योग्राफर हैं ये। तो इनका वर्क देखते हैं, जियोलॉजिस्ट हैं ये और ज्योग्राफर हैं, 20वीं सदी का महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है, और भूमि उपयोग सर्वेक्षण कार्य हैं जो ब्रिटेन में, ब्रिटेन का भूमि उपयोग सर्वेक्षण कार्य है वो इनके अंतर्गत इनके निर्देशन में हुआ था। आगे जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो फिर अपने जो इंडियन कई जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफर हैं उनका इनके अंडर में उन्होंने PhD करी है, तो उसके बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे। लैंड यूज सर्वे है इनका मुख्य कार्य। नेक्स्ट देखते हैं डडले स्टाम्प की इमेज शो हो रही है, डडले स्टाम्प ब्रिटेन में जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण कार्य है वो इन्होंने कराए। नेक्स्ट बुक्स देखते हैं इनकी, द वर्ल्ड ए जनरल ज्योग्राफी इनकी बुक है, 1929 में प्रकाशित हुई। द लैंड ऑफ ब्रिटेन 1937 में आई। द फिजिकल ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी 1946। द लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मिसयूज, इसी प्रकार की अपने इंडिया में भी एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ऐसे ही एक बुक लिखी है, द लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मिसयूज 1948। एंड नेक्स्ट बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये आई 1949 में। तो ये दोनों बुक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मिस यूज 1948, और इसके जस्ट एक साल बाद 1949 में आई एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इनको फिर से इनका अध्ययन कर लेंगे। तो इनका बुक का नाम और ईयर भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है अवर डेवलपमेंट वर्ल्ड, ये 1969 में आई। तो बहुत सारी बुक हैं पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पीटर हैगेट जो हैं 1933 इनका जन्म है और वर्तमान में ये उपस्थित हैं, मुख्य ब्रिटिश ज्योग्राफर हैं ये और मानव भूगोलवेत्ता हैं। पीटर हैगेट के मुख्य कार्य जो है वो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है, जो भूगोल में मात्रात्मक क्रांति को विकसित करने का कार्य है इनका, पीटर हैगेट का। मात्रात्मक क्रांति जो है वो 1960 का जो टाइम है उसके समय आई थी, 1950 या 1960 का जो समय है उसमें आई थी, और मात्रात्मक क्रांति का आने का लाभ ये हुआ, लाभ जो है मात्रात्मक क्रांति का वो है कि भूगोल को एक जो अब जो हम्बोल्ट रिटर और इतने सारे जो वैज्ञानिक जो मिलकर जो प्रयास कर रहे थे भूगोल को एक विशिष्ट कोटि का विज्ञान बनाने की, और वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि
जो भूगोल है उसका वो बहुत वाइड है, वो सोशियोलॉजी का भी अध्ययन करते हैं भूगोलवेत्ता होते हैं, वो एग्रीकल्चर का भी अध्ययन करते हैं, वो नगरियों नगर जो है नगरीय भूगोल में उसका अध्ययन करते हैं, औद्योगिक भूगोल में भी वो वर्क करते हैं, क्योंकि भूगोल एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है तो उसको एक विशिष्ट श्रेणी का विज्ञान लाने के लिए उसमें एक जनरल जो नियम है उसको लाने की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि अगर कोई नियम होगा, कोई सूत्र होगा या फॉर्मूला होगा तो वो सबके लिए एक समान होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप भी अध्ययन करोगे तो सूत्र में अगर वैल्यू रखेंगे तो वही आएगी, और मैं भी अगर अध्ययन करूँगी तो वो सूत्र है वो वही परिणाम देगा। तो कहने का मतलब ये कि उसमें क्या होगी, एक वस्तुनिष्ठता होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी, न कि वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहेगा, सब्जेक्टिविटी नहीं होगी। तो जो मात्रात्मक क्रांति है उसके आने के बाद भूगोल जो है उसमें नियम बनाए जाने लगे, जो नई नई जो टेक्निक्स हैं वो यूज करी जाने लगी ताकि भूगोल का विकास हो सके, उसको एक विशिष्ट कोटि का विज्ञान बनाया जा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट था मात्रात्मक क्रांति का आना, पर जब कोई भी चीज़ होती है उसकी अति हो जाती है तो वो बहुत नुकसानदायक होती है। तो इसके हम जो नुकसान है या जो दोष हैं जो मात्रात्मक क्रांति के वो भी पढ़ेंगे आगे। तो देखते हैं, पहले तो अभी आई है तो अभी तो दोष नहीं पढ़ेंगे, इसके गुण ही पढ़ेंगे। पहले तो देखते हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बारे में। पिटन हैगेड जो हैं उन्होंने मात्रात्मक क्रांति को विकसित किया, अर्थात भूगोल में नवीन गणितीय व सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग शुरू हुआ, ये इनका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट इनकी बुक देखते हैं, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी 1965 में आई इनकी बुक, और मॉडल्स इन ज्योग्राफी हैगेट वेचोरले और सोशियो इकोनॉमिक मॉडल ये इनकी बुक्स हैं। बुक का भी ओवरव्यू देखेंगे अपने, योगदान देखते हैं इनका। भूगोल में नवीन गणितीय व सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग शुरू किया तथा भौगोलिक तथ्यों के विश्लेषण में मॉडल निर्माण विधि का प्रयोग किया जाने लगा, ताकि एक स्पेसिफिक साइंटिफिक डिसिप्लिन में विशिष्ट कोटि का विज्ञान बना सके हम भूगोल को, और उसके जो नियम हैं वो सबके लिए एक समान हो, बेसिकली उसको एक नियमबद्ध वैज्ञानिक या फिर विज्ञान के फॉर्म में ला सके। तो इन्होंने मॉडल निर्माण कार्यों का इसमें भूगोल में शुरुआत करी। नेक्स्ट पीटर हैगेड की बुक देखते हैं, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, और पीटर हैगेड की इमेज शो हो रही है, बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं, रिचर्ड जॉन चोडले, आर जे चोडले हैं, 1927 से 2002 इनका समय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है वहाँ ये प्रोफेसर रहे। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति को विकसित करने का कार्य किया इन्होंने, जलवायु व भू आकृति विज्ञानी थे ये। अब मात्रात्मक क्रांति का तो ठीक है, पर ये भी इसको याद रखना है कि जलवायु व भू आकृति विज्ञानी भी थे ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक जो भूगोलवेत्ता होता है उसके बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया होता है उसका, परंतु वो किसी एक पर्टिकुलर एक बुक आती है या फिर एक थ्योरी एक मॉडल देता है तो उसमें पर्टिकुलर एक में फेमस हो जाता है, तो हम क्या होता है कि उसका फील्ड है वो ही मान के चलते हैं, पर इन्होंने और भी बहुत सारे फील्ड में काम किया होता है तो वो हमें ध्यान रखना होता है। बार बार जब हम पढ़ेंगे इसका तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट चोडले के बारे में देखते हैं थोड़ा। चोडले जो हैं इमेज शो रही है और इनकी बुक देखते हैं, 1927 से ही हमने देख लिया था, 2002 इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था। बुक है इनकी फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग, वही मात्रात्मक क्रांति को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, मॉडल्स को बनाया है इन्होंने ज्योग्राफी में, तो ऐसी ही इनकी बुक है फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग। फ्रंटियर्स कहे जाते हैं ये जो टेक्निक्स हैं उनका यूज करने में, ये फ्रंटियर थे। नेक्स्ट इनकी बुक है इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी ये भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, एडिटेड बाई रिचर्ड जे चोडले एंड पीटर हैगेट, तो ये दोनों की लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की लिखी हुई है ये बुक, और ये वाली बुक है ये भी दोनों की लिखी हुई है, हैगेट एंड चोडले की है, फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग। तो ये यहाँ इसलिए दिखाई जा रही है आपको इमेजेस ताकि माइंड में स्टोर कर पाएँ, क्योंकि एक जनरल सा नियम है कि अगर हम पिक्चर्स के थ्रू कोई चीज़ों को देखने की समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमें ज़्यादा याद रहती है। चोडले का वर्णन देखते हैं, इन्होंने क्या क्या वर्क किया है, बुक्स ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो इनकी फिजिकल ज्योग्राफी ए सिस्टमेटिक अप्रोच,
एंड नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सिस्टम 1978, एटमोसफेयर वेदर एंड क्लाइमेट, ये आ गया ना इनका, क्लाइमेटोलॉजी में भी इनका वर्क है, 1968 और 1992 में फिर रिवाइज्ड एडिशन आया इसका। नेक्स्ट है वेदर अर्थ एंड मैन, मौसम पृथ्वी और आदमी। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी 1968, हैगेट एंड चोरले। तो इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी या सोशल सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने इतने सारे ज्योग्राफर्स पढ़ लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी होगा इतना आज के लेक्चर में। तो आपको पढ़ना है अच्छे से, इसको रिवाइज कीजिए बार बार, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनको फिर पढ़ लेंगे अपने, बहुत बार इनको पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अभी आपको सिर्फ इसी पे फोकस रखना है कि हाँ हम एक बेसिक अंडरस्टैंड बना लें कि ये ब्रिटिश हैं, ये अमेरिकन हैं, ये फ्रांसीसी हैं, ये जर्मन हैं। कोई थोड़ा बहुत जिनका वर्क याद रहता है वो आपको कि हाँ ये इनकी बुक है या फिर ये इनका फील्ड है, इतना ही काम है आपका। कैसे याद करना है, किस प्रकार से याद करना है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नील स्मिथ। नील स्मिथ का वर्क जो है वो जेंट्रिफिकेशन में, नील स्मिथ का वर्क है, समझते हैं जेंट्रिफिकेशन क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं, इनका कार्य क्षेत्र क्या है वो देखते हैं। नील स्मिथ 1954 से 2012 इनका समय है, स्कॉटिश भूगोलवेत्ता हैं ये, और न्यू अर्बन फ्रंटियर जो ज्योग्राफी है या न्यू अर्बन ज्योग्राफी है उसमें इनका वर्क है। न्यू अर्बन ज्योग्राफी का मतलब होता है कि जो नया जो निर्माण है शहर में, सीबीडी के चारों ओर जो सीबीडी जो क्षेत्र होता है, एक शहर का कोर बोल सकते हैं, जिसको हृदय बोल सकते हैं सीबीडी को, तो सीबीडी जो एरिया है उसमें भूमि का मूल्य जो होता है वो बहुत उच्च होता है। भूमि मूल्य उच्च होने के कारण वहाँ पर नव निर्माण या फिर संभव नहीं होता इतना ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है कि कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे मॉल बन जाते हैं, और बीच बीच में पुराने जो स्टोरेज हाउस होते हैं, माल गोदाम होते हैं, वो बने रहते हैं। तो इस प्रकार जो दृश्य उपस्थित होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो इस पे इन्होंने वर्क किया और उसको नाम दिया जेंट्रिफिकेशन। जेंट्रिफिकेशन का मतलब कुछ नया बनाना, कुछ जैसे पुराना स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तोड़ के बीच बीच में कुछ जैसे नया बन जाए, तो उसको इन्होंने जेंट्रिफिकेशन नाम दिया। जेंट्रिफिकेशन ऑफ द सिटी पर इन्होंने बुक लिखी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना इसको। शहर का भद्रीकरण या भद्र लोकीकरण भी आ सकता है नाम हिंदी में, तो जेंट्रिफिकेशन ऑफ द सिटी इंग्लिश वाला आपको याद रखना है। नेक्स्ट इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं, द न्यू अर्बन फ्रंटियर 1996 में पब्लिश हुई थी, द पॉलिटिक्स ऑफ पब्लिक स्पेस 2006 में हुई थी, और ये जेंट्रिफिकेशन वाली 1986 में हुई थी। नेक्स्ट इनका देखते हैं अपन इमेज 1954 से 2012, और इनकी बुक है जेंट्रिफिकेशन ऑफ द सिटी हमने देखी, और नेक्स्ट इनकी बुक है द न्यू अर्बन फ्रंटियर, नील स्मिथ की बुक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से सेट कर लो माइंड में, एग्ज़ाम में आ सकता है ये, और 2012 में इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन डेविड हार्वे। डेविड हार्वे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका कंसेप्ट है, रेडिकल ज्योग्राफर है ये, मात्रात्मक क्रांति जो है उसमें इनका योगदान है, मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता हैं ये। अब मार्क्सवाद का क्या मतलब होता है, मार्क्सवाद का मतलब होता है पूंजीवाद का विरोधी, शोषण बनाम शोषित इन्होंने एक शब्दावली प्रयोग करी थी, जो कार्ल मार्क्स थे, जर्मन थे ये, और ये पूंजीवाद के घोर विरोधी थे। तो इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं हम। डेविड हार्वे 1985 से अभी भी है ये वर्क कर रहे हैं, 21वीं सदी के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं, और मानव भूगोल और भूगोल में इनका कार्य है, अर्बन ज्योग्राफी में भी इनका वर्क है। नेक्स्ट देखते हैं 1961 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी करी है, और ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मार्क्सवादी जो भूगोल है उसके लिए जाने जाते हैं। 1960 के बाद जो मात्रात्मक क्रांति आई उसके बाद से ही क्या हुआ कि भूगोल में मॉडल निर्माण का और ये कार्य शुरू हो गया, तो उसके बाद में बहुत सारे उसी के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक हैं वो, उन्होंने अपने विचार रखे। तो देखते हैं मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता थे ये, और एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी के लिए जाना जाता है इनको, क्रिटिकल ज्योग्राफी में वर्क है इनका, और राइट टू द सिटी जो है उसमें भी इनका वर्क है। राइट टू द सिटी लूसियन फेब्रे फ्रांसीसी ज्योग्राफर हैं, सामाजिक वेत्ता कह सकते हैं जिनको, सामाजिक विज्ञान में भूगोल में इनका योगदान है, समाज वेत्ता थे लूसियन फेब्रे, उनकी ये बुक थी
राइट टू द सिटी और इसी मूवमेंट को लेकर डेविड हार्वे का वर्क है। राइट टू द सिटी में क्या होता है कि हमने बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन करके सिटीज़ को बना लिया, पर उसमें क्या है, बहुत सारी अराजकताएँ पैदा हो गई, वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनका वितरण है वो बहुत असमान है। तो एक जो सिटी है उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, रिसोर्सेज का किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए, तो उसके लिए राइट टू द सिटी मूवमेंट चला गया था। तो डेविड हार्वे का वर्क है, इसमें इनकी इमेज भी शो हो रही है स्क्रीन पर। डेविड हार्वे इंग्लैंड के हैं ये, और नॉन फोर में आ जाएगा मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी, मात्रात्मक क्रांति जो है उसमें भी इनका योगदान है। नेक्स्ट इनकी बुक देखते हैं, इनकी बुक है सोशल जस्टिस एंड द सिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है सोशल जस्टिस एंड द सिटी, डायरेक्ट पूछी जा सकती है। काफ़ी सारे इनके निबंध हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है हम वही ले रहे हैं, स्पेस ऑफ होप। स्पेस ऑफ होप है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, तो आपको ध्यान में रखनी है दोनों ही बुक्स। नेक्स्ट देखते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमने वही यहाँ पर रखी है, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। पोस्ट मॉडर्न समाज क्या होता है, उत्तर आधुनिक समाज। उत्तर आधुनिक समाज, आधुनिक के आगे की जो टर्म है उसको उत्तर आधुनिक समाज बोलते हैं। उत्तर आधुनिक समाज बोल सकते हैं, सूचनात्मक समाज बोल सकते हैं, अत्यंत जो विकसित समाज है उसके बारे में ये शब्द हैं। पोस्ट मॉडर्न जो शब्द है वो अत्यंत विकसित बोल सकते हैं, हायर टेक्नोलॉजी जहाँ यूज होती है, जैसे आज के टाइम में हम बोल सकते हैं कि स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस जो हैं देश, उनके लिए ये शब्द काम में ले सकते हैं, जो कि अपने जो नीतिवाद, प्रसंभवतावाद, संभवतावाद, इन सभी कंसेप्ट से ऊपर उठ के जो पोस्ट मॉडर्न सूचनात्मक समाज के श्रेणी में रखे जा सकते हैं, जहाँ सूचनाएं इतनी, सूचनाओं पर बेस्ड जो समाज है और वो इतनी तीव्रता से बदल रही है और उसी के अनुरूप उस समाज में परिवर्तन हो रहा है। तो कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी को आप समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट है ये रिबेल सिटी। रिबेल सिटी जो बुक है इनकी, ये भी रिबेल सिटी जो है, हमने देखा सूचनात्मक समाज देखा, और जो सिटी, राइट टू द सिटी जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड इसमें वर्क किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, डेविड हार्वे की बुक्स देख रहे हैं अपने, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आएंगे। नेक्स्ट है द लिमिट टू कैपिटल, ये जो बुक है इनकी, ये जो मार्क्सवादी जो विचार हैं इनके उस पर बेस्ड है, मार्क्सिज्म के ये पक्षधर थे, मार्क्सवादी जो भूगोलवेत्ता थे ये। द लिमिट टू कैपिटल का मतलब होता है कि पूंजीवाद की जड़ है या फिर पूंजीवाद की सीमा है वो कहाँ तक निर्धारित की जाए, ताकि एक लिमिट तो बना पाए हम, ऐसा नहीं हो कि पूंजीवादी हैं वही सारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर लें और जो अपनी अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने लग जाएं। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हमने देख ली। नेक्स्ट इनका वर्क देखते हैं, डेविड हार्वे। डेविड हार्वे को मार्क्सवादी भूगोल के लिए जाना जाता है, राइट टू द सिटी मूवमेंट के लिए जाना जाता है। इनकी बुक्स देखते हैं इंपॉर्टेंट, इनकी बुक है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी 1969 में पब्लिश हुई थी। अब आप एक ऐसी ही बुक आएगी जो जो अपवाद इन ज्योग्राफी होते हैं, वो बुक है कुर्त शेफर की। तो ये तो है एक्सप्लेनेशन, और वो है एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, तो वो है कुर्त शेफर की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस एंड द सिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, हमने देखी द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी 1989, फिर है स्पेस ऑफ होप 2000 में आई, और रिबेल सिटी 2012 में आई। तो इसको अगर याद रखना चाहें तो कैसे याद रखेंगे कि डेविड हार्ले डेविडसन चलाने वाले जो होते हैं, डेविड हार्वे को हार्ले से अगर रिप्लेस करना चाहें, कि जो हार्ले डेविडसन चलाने वाले होते हैं वो रिबेल टाइप के होते हैं, और जो रिबेल होते हैं क्रांतिकारी विचारों के होते हैं, वही एक होप होती है समाज की। तो वो क्या होते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, या जो सिटी है उसको जस्टिस दिला सकते हैं, और वही चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो हार्ले डेविडसन चलाने वाले होते हैं वो क्या, रिबेल टाइप के होते हैं, और पोस्ट मॉडर्न जो समाज है अत्याधुनिक जो होते हैं, और जो समाज है उसकी होप होते हैं, और चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस प्रकार से आप एक न्यूमोनिक सा सेट करके आप इसको सेट कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट इनके बारे में स्टेटमेंट आता है डेविड हार्वे के बारे में, कि जो हार्वे हैं वो पहले मात्रात्मक क्रांति के पक्षधर थे और बाद में ये पक्ष त्यागी बन गए थे। पहले क्या थे, समर्थक थे, और बाद में पक्ष त्यागी बन गए थे। और इन्होंने कंप्यूटर्स जो हैं उनके लिए, कंप्यूटर्स को क्या बताया था कि स्वर्ण बछड़े हैं ये, और बाद में क्या हो गए थे, पक्ष त्यागी हो गए थे। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर को स्वर्ण बछड़े किसने बोला था, तो डेविड हार्वे ने बोला था।
नेक्स्ट इनका योगदान देखते हैं। योगदान है इनका इन्फॉर्मेशन सोसाइटी, सूचनात्मक समाज, हमने पहले भी देखा था, रिबेल सिटी या द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी जिसको बोल सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी जो है इनकी बुक है सूचनात्मक समाज पर इन्होंने कार्य किया और इन्होंने ये बताया सूचनात्मक समाज का विवरण कैसे दिया या उसको एक्सप्लेन कैसे किया उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसा समाज जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक क्रियाकलापों में वर्गीकरण है, विविधता है तथा सूचनाओं के द्वारा क्रियान्वित होते हैं, ऐसे समाज जो सूचनाओं पर बेस्ड है, जहाँ तीव्र रूप से सूचनाएं बदलती रहती है या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये उसको इन्होंने सूचनात्मक समाज कहा, उत्तर आधुनिक समाज कहा। तो इसमें हिमालय लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर इसी कंसेप्ट को हम नवनीतिवादी या फिर जो नीतिवादी कंसेप्ट है उसके साथ अगर जोड़ के देखें तो जहाँ पर प्राकृतिक वातावरणों पर निर्भरता ज़्यादा है तो वहाँ ये वाला समाज है ये काम नहीं कर सकता। धीरे धीरे विकास के क्रम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस समाज की तरफ जाते जा रहे हैं जहाँ सूचनाओं का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, सूचनाओं पर सब कुछ बेस्ड है। तो इसमें ये है कि अगर हम हिमालय जो रीजन है, हम अगर वहाँ अच्छा हाईटेक अगर बिल्डिंग बनाने चाहें, वो बहुत ज़्यादा नव निर्माण कार्य करने चाहें, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ की जो परिस्थिति की है बहुत नाजुक परिस्थिति तंत्र माना जाता है हिमालय का, तो वहाँ ये सब संभव नहीं है। तो वहाँ पर आपको भूकंप देखने को मिल सकते हैं, जितना ही जो परिस्थिति की है उसके साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो वहाँ पर ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये कंसेप्ट है नीतिवाद का, और ये जो कंसेप्ट है वो बहुत टेक्नोलॉजी पर बेस्ड समाज है और आगे का कंसेप्ट है। तो अभी अपने इन्फॉर्मेशन सोसाइटी वाली वो जो है सिचुएशन उसमें नहीं आए हैं, हमारे कुछ जैसे अपनी देश की कुछ कंट्री है जैसे बेंगलुरु और जो अदर हाईटेक जो सिटीज़ बोल सकते हैं जिनको, वो अभी इसमें है पोस्ट मॉडर्न समाज में है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है टाइम स्पेस कंप्रेशन कंसेप्ट। टाइम स्पेस कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो सूचनाएं हैं वो स्थान है वो सिकुड़ गया है, सूचनाएं इतनी तेज़ी से बदल रही है या फिर मिल रही है, आदान प्रदान हो रहा है कि स्थान का जो कंसेप्ट है वो बहुत गौण हो गया है और समय के अनुसार हम किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, वहाँ की सूचना को गेन कर सकते हैं। तो तकनीकी विकास ने समय और स्थान को सिकोड़ लिया है, इसका ये कंसेप्ट का मतलब होता है। टाइम स्पेस कंप्रेशन कंसेप्ट का मतलब होता है कि विकास है जो टेक्नोलॉजी के कारण इतना विकास कर लिया है कि समय और स्थान का महत्व गौण हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं डोरेन मेसी। डोरेन मेसी महिला भूगोलवेत्ता हैं और नारीवादी भूगोलवेत्ता हैं, इसमें आगे रोज़ को भी पढ़ेंगे अपने। तो डोरेन मेसी के बारे में पढ़ते हैं, सोशोलॉजिस्ट और ज्योग्राफर हैं, ये महिला भूगोलवेत्ता हैं। द ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशनल, ये 1979 में इनकी बुक आई थी। नेक्स्ट है स्पेस प्लेस एंड जेंडर, 1994 में आई थी। नेक्स्ट बुक है स्पेशल डिवीज़न ऑफ लेबर, 1995। वर्ल्ड सिटी 2007, 2010 में इसका वर्ल्ड सिटी का रिवाइज एडिशन आया था। नेक्स्ट है द नेक्स्ट 10 ईयर, 1997। तो आपको बुक्स याद रखनी है, अगर ये डेट याद भी नहीं रहे तो अभी बुक्स के नाम तो याद होने चाहिए। वर्ल्ड सिटी बुक है डोरेन मेसी की, और जो शब्द दिया था वर्ल्ड सिटी वो दिया था सास्किया सासेन ने। सास्किया सासेन को भी हम पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड सिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी जैसे अल्फा सिटी है, मेगा सिटी तो हमने पहले पढ़ लिया था। अल्फा सिटी क्या होती है कि एक जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क लंदन ये वाली जो सिटीज़ हैं इनको अल्फा सिटी की श्रेणी में रख सकते हैं। यहाँ से विश्व व्यापार निर्धारित होता है, विश्व में सूचनाएं जो है ये एक सेंटर है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड सिटी का एग्जांपल हमने देख लिया, शब्द किसने दिया था वो भी देख लिया। अब डोरेन मेसी की इमेज शो हो रही है, डोरेन बारबरा मेसी या डीबी मेसी भी लिखा सकता है। 3 जनवरी 1944 इंग्लैंड यूके में इनका जन्म हुआ मैनचेस्टर में, और यूके में इनकी मृत्यु हो गई, और ये यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में इनका अध्ययन किया हुआ है। नेक्स्ट इनकी बुक देखते हैं स्पेशल डिवीज़न ऑफ लेबर, लेबर जो है उसका डिवीज़न किस प्रकार से होना चाहिए, स्थानिक वितरण किस प्रकार का मिलेगा उसके बारे में ये बुक हमें बताती है। और सोशल स्ट्रक्चर एंड द ज्योग्राफी ऑफ प्रोडक्शन, कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट इतना ही नाम लिखा आ सकता है, तो ये नाम अगर लिखा आए तो फिर हम इसको कर लेते हैं, पर अगर उसका थोड़ा सा विवरण अगर आ जाए, जैसे ये नाम भी साथ में आ जाए तो हमें लगता है ये किसकी हो सकती है, तो अगर ध्यान में रहे तो इसको भी रख सकते हो आप। नेक्स्ट इनकी बुक देख ली हमने तीनों को, इसको याद कैसे करेंगे, थोड़ी सी ट्रिक बना लेते हैं एक छोटी सी, कि जो नेक्स्ट 10 ईयर में है उस आगे आने वाले 10 सालों में
किस प्रकार का वितरण होगा लेबर का और समाज है उसमें स्पेस प्लेस और जेंडर की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, उस पर डोरेन सिटी ने वर्क किया था। तो मेसी ने नेक्स्ट 10 ईयर के लिए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेस प्लेस एंड जेंडर को लेकर लेबर का स्पेशल डिवीजन किया। आप 2-4 बार पढ़ो कि इसको बार बार तो ये अच्छे से याद हो जाएगा आपको कि डोरेन मेसी ने नेक्स्ट 10 ईयर के लिए वर्ल्ड सिटी में इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें स्पेस प्लेस और जेंडर को लेकर लेबर का क्या स्पेशल डिवीज़न रहेगा, उसके लिए इन्होंने अध्ययन किया। तो इसमें ये सारी बुक्स आ गई इनकी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिचर्ड पीट। रिचर्ड पीट के रेडिकल ज्योग्राफर थे ये, और ये भी मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता थे, मार्क्सवाद के समर्थक थे, भूगोल में अतिवाद या उग्र सुधारवाद के समर्थक थे ये और पूंजीवाद के विरोधी थे। ये जो जितने भी कंसेप्ट हैं मार्क्सवादी या फिर मार्क्सवाद, पूंजीवाद, अतिवाद, उग्र सुधारवाद, ये सारे क्वांटिटिव जो रिवॉल्यूशन है उसके बाद के कंसेप्ट हैं और इनका वर्क है। इनको फिर डिटेल में स्टडी कर लेंगे, यहाँ हम सिर्फ बेसिक इनकी बुक कौन कौन सी है, किस फील्ड में इनका योगदान है और ये किस, जैसे अमेरिकन है, ब्रिटिश है, ये हमें ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ही काम है यहाँ हमारा। तो इनकी बुक्स देखते हैं, रेडिकल ज्योग्राफी इनकी बुक है, और नेक्स्ट इनकी बुक है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोलॉजी 2010, नेक्स्ट बुक है इंडियन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2010 और ज्योग्राफी ऑफ पावर 2007। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी ऑफ पावर और रेडिकल ज्योग्राफी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी इमेज देख लेते हैं, यह है रिचर्ड पीट, रेडिकल ज्योग्राफर हैं ये, मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता हैं, पूंजीवाद के विरोधी हैं। मार्क्सवाद जो है वो पूंजीवाद का विरोधी है, ये आप ध्यान रखना। मार्क्सवाद, मार्क्स, कार्ल मार्क्स जर्मन थे, विद्वान थे, पूंजीवाद के विरोधी थे मार्क्सवाद। और शोषक बनाम शोषित इन्होंने शब्दावली दी थी मार्क्सवाद ने, मार्क्स ने दी थी, कार्ल मार्क्स ने। बुक है इनकी रेडिकल ज्योग्राफी, रेडिकल ज्योग्राफी रिचर्ड पीट की बुक है ये। नेक्स्ट बुक है इनकी ज्योग्राफी ऑफ पावर, 2007 में आई थी ये बुक, तो इसको ध्यान में रखना। कितनी बुक हो गई इनकी, 4 बुक्स हो गई। नेक्स्ट, इसकी अगर ट्रिक बनाना चाहें तो कैसे करेंगे कि जो रिचर्ड है उसने पावर दिखाकर ग्लोबल पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें इंडिया की इकोनॉमी को चेंज करने की कोशिश करी या इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई तो इसको पिटा गया। तो क्या पावर से क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी ऑफ पावर। और रेडिकल, रेडिकल जो रेडिकल एक व्यक्ति था, रेडिकल का मतलब था एक एजेंट बोल सकते हैं या उग्रवादी बोल सकते हैं जिसको, तो एक रेडिकल था, उसने क्या किया, ग्लोबल जो सिनेरियो है, ग्लोबल पॉलिटिकल पॉलिटिक्स है, उसमें क्या किया कि इंडिया की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया तो उसको पिटा गया, लोगों को वो पसंद नहीं आई, ऐसे करके इसको बना के पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओ एच के स्पेट 1911 से 2000 इनका समय है। इमेज देख लेते हैं ओ एच के स्पेट की, ओ एच के स्पेट है, इनका पूरा नाम भी आप ध्यान में रख सकते हो, ऑस्कर हरमन क्रिश्चियन स्पेट, ऑस्कर हरमन क्रिश्चियन स्पेट 1911 से 2000। और इन्होंने क्या किया था कि जो पैसिफिक रीजन है या ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक रीजन में इन्होंने ज्योग्राफी को एक विशिष्ट कोटि का विज्ञान बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसको ध्यान में रखना है आपको कि पैसिफिक और जो ऑस्ट्रेलियन जो रीजन है वहाँ इन्होंने ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक स्पेसिफिक डिसिप्लिन बनाने में इनका योगदान है। इनकी बुक्स देखें तो इनकी बुक्स हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, ए रीजनल ज्योग्राफी, ये बुक आ सकती हैं आगे, रीजनल ये नाम भी लिखा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओ एच के स्पेट के जो बुक है इंडिया एंड पाकिस्तान उसमें किसका वर्णन है, तो ये रीजनल ज्योग्राफी की बुक है, जो रीजनल प्रादेशिक भूगोल है भारत और पाकिस्तान का उसका इसमें वर्णन है। ओ एच के स्पेट एंड 80 लेमंथ की ये लिखी हुई है। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट एंड फाउंड, ये भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो है, तो आप इसको ध्यान में रखना। इंडिया एंड पाकिस्तान ये रीजनल स्टडी पे बेस्ड है और पैराडाइज लॉस्ट एंड फाउंड। नेक्स्ट इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आता है वो है प्रोबेबलिज्म। प्रोबेबलिज्म प्रसंभवतावाद का जो कंसेप्ट है उसमें हम डिफरेंस देखेंगे, संभवतावाद और प्रसंभवतावाद में क्या अंतर है,
आप अगर याद रखना चाहो तो प्रोबेबलिज्म और पॉसिबिलिज्म को याद रखें, ताकि आपको इंग्लिश हिंदी में बार बार कन्फ्यूज़न नहीं हो। पॉसिबिलिज्म जो शब्द है उसमें मानवीय छांट का हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, डायरेक्ट पूछा जा सकता है मानवीय छांट, मानवीय छांट में क्या आएगा, पॉसिबिलिज्म आएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें जो अधिक संभाव्य होती है, जो मोस्ट प्रोबेबल है, उसी पर हमें वर्क करना चाहिए। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश बॉर्न कैनेडियन मानव भूगोलवेत्ता हैं, ये मानव भूगोलवेत्ता हैं जो भी पढ़े हैं हमने लगभग। ब्रिटिश में, ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ और कैनेडा में इन्होंने काम किया। तो ये ब्रिटिश बॉर्न कैनेडियन भूगोलवेत्ता हैं। प्रसंभवतावाद या पॉसिबिलिज्म, सॉरी प्रोबेबलिज्म की जो विचारधारा है, कंसेप्ट है, उसको इन्होंने जन्म दिया। स्टेटमेंट देखते हैं इनका। प्रकृति संभावनाएं देती है, लेकिन उनमें से कुछ संभावनाएं अधिक संभाव्य होती है। बोला ना कि मोस्ट प्रोबेबल जो है उन्हीं पर हमें वर्क करना है। मनुष्य को उन्हीं संभावना का प्रयोग करना चाहिए जो कि अधिक संभाव्य है। तो ये इनका कंसेप्ट हमने पढ़ लिया यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, द चेंजिंग फेस ऑफ एशिया इनकी बुक है। इंडिया एंड पाकिस्तान ये वाली बुक हमने देख ली थी। पैराडाइज लॉस्ट एंड फाउंड भी देख लिया था। इंडिया एंड पाकिस्तान वाली जो बुक है, रीजनल ज्योग्राफी जो है, वो 1954 में आई थी। ये जो बुक है 1954 में आई थी। द चेंजिंग फेस ऑफ एशिया, ये हमने देखा ही था कि ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक रीजन जो है उसमें इनका वर्क किया हुआ है। इन्होंने एक ज्योग्राफी उसको स्ट्रेंथनिंग दी। तो आपको ये वाला जो कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ हो जाता है कि प्रोबेबलिज्म जो कंसेप्ट है ये इन्होंने दिया था। ओएच के स्पिट ने भारत और पाकिस्तान की रीजनल ज्योग्राफी उस पर वर्क किया। उसका भी आगे जब हम स्टडी करेंगे प्रादेशिक भूगोल तो उसमें फिर देखेंगे इसको। तो यहाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि ये जो विद्वान या ज्योग्राफर हमने पढ़े हैं ये सारे ब्रिटेन के हैं, इनका किस फील्ड में योगदान है, इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं। तो आज की क्लास का लेवल कैसा था, आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं डाउट, और इनका अच्छे से अध्ययन कीजिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।